लेकिन 23 तारीख हमने नया योजना का स्टार्ट कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी दूंगा। ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेक्सुअल नहीं, कोई आउटसोर्स नहीं। नमस्कार আপোনাক ওয়েলকাম টু মাই ডিভিশন আসামিস গভর্নমেন্ট জব। এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা আপনার গুড নিউজ দি দিলে, কারণ কেলে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করলে যে কোন সকল প্রার্থীয়ে আপনার 2 লাখ টাকা পাব, কোন সকল প্রার্থীয়ে চাকরি পাব, আকো একটা ঘোষণা করলে যে অহা বছর আপনার পুনের আকো 1 লাখ চাকরি দিয়া হব, আকো পুনের আপনার যে এই 1 লাখ চাকরি প্রতিশ্রুতি দিলে সেই চাকরি কিমান দূর সম্ভব হয়েছে, আর যখন মানে এই যে 2 লাখ টাকা আছে 2 লাখ টাকা কেন পাব, আপনার কি কি এপ্লাই করব লাগবে, মুখ্যমন্ত্রী কি ঘোষণা করলে আমি আপনার দেখাই দিম। দেখাই দিয়ে আগে আপনার কব বিচার যে আপনার যদি চ্যানেলটি নতুনকে আছে তেন আপনার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবস, ভিডিওটি লাইক করে দিব, সকলকে আগত আপডেট হোক পাই থাকবে। আসুক আজ আমার ভিডিওটি আরম্ভ করো। মুখ্যমন্ত্রী মানে কি ঘোষণা করেছে আমি আপনার দেখাই দিচ্ছি, ভিডিওটি চাই লোক। সিধা মে সরকারি নৌকরি দূঙ্গা, 23 তারিখ হামনে নয়া যোজনা কা স্টার্ট কর রহা হুঁ। जो नॉर्मल युवा है, मैट्रिक पास भी हो सकता है, मैट्रिक फेल भी हो सकता है, लेकिन यही बाकी जो किया जो नहीं किया अपना है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हमारा एक चुनाव का घोषणा था कि मैं 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेक्सुअल नहीं, कोई आउटसोर्स नहीं, सीधा मैं सरकारी नौकरी दूंगा। तो बागेल जी सभा में बोला कि ये व्यक्ति पागल हो चुका है, ये क्या संभव है, 1-1.5 साल में ये संभव है। मैंने आज इसको संभव करके दिखाया। 90,000 हुआ मेरा सरकार, 1 साल तो कोविड में फंस गया, 1 साल का मुझको समय मिला, पूरा 90,000 युवा और युवतियों को सरकारी परमानेंट नौकरी, मतलब कोई उधर उधर का नौकरी नहीं है, सरकारी परमानेंट नौकरी हमने दिया। और अमित शाह जी का सामने 90,000 लोग एक ही फील्ड में खड़ा हुआ और सबको हमने उसी जगह में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। ये 27 मई का बात है, आप लोग गूगल करके देख सकता है। फिर आया बेरोजगार का बारे में, असम में भी बेरोजगार है, असम और छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन हो या उनका जो एक इकोनॉमी हो वो लगभग हम लोग का सेम है। हम भी 3,000 रुपया भत्ता दे सकता था, लेकिन 23 तारीख हमने नया योजना का स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो बेकार लोग है उनको पहला साल हम जो पोस्ट ग्रेजुएट बेकार है उनको 5 लाख रुपया दूंगा, और जो आईटीआई वगैरह पास किया है उनको 3 लाख रुपया दूंगा, और उनका जो थोड़ा सा वो बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा अगले साल उनको हम लोग बैंक का साथ लिंकेज कर देगा, और बैंक का जो इंटरेस्ट है वो सरकार पे करेगा। पहला जो 3 लाख और 5 लाख होगा वो तो सरकार डायरेक्टली दे देगा, बैंक अकाउंट में उनका हम लोग दे दूंगा। 1 महीना का ट्रेनिंग होगा, 10,000 रुपया ट्रेनिंग का समय में मिलेगा, और जब ट्रेनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा, उसका तुरंत बाद हम उनको उनका बैंक अकाउंट में पैसा दे दूंगा। 3 लाख होगा, 5 लाख होगा, अगर आईटीआई पास है तो 3 लाख, अगर आपने इंजीनियरिंग पास किया है तो 5 लाख, और नॉर्मल युवा है तो 3 लाख। जो नॉर्मल युवा है मैट्रिक पास भी हो सकता है, मैट्रिक फेल भी हो सकता है, लेकिन यही पैसा हम बेरोजगार भत्ता भी दे सकता था। लेकिन बेरोजगारों को भत्ता देने का जगह में अगर हम रोजगार का स्कीम निकालते थे वो सबसे बढ़िया होता था, चलता था, तो लोगों का कल्याण हो जाता था। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये मैं बागेल जी को बोलना चाहता हूँ।